नहीं पहलवानों के लिए ट्रायल में छूट देना मेरी समझ से बाहर है और ये सरासर गलत है। ऐसा तो आज तक जो पहली फेडरेशन थी उसने भी नहीं किया। जो फैसला आपने लिया है बिना कोई नियम देखे, बिना कोई क्राइटेरिया बनाए, तो मैं सभी हमारे जितने भी पहलवान हैं ग्रीको रोमन के, फ्री स्टाइल के और लड़कियां, तो आप अपनी आवाज़ जरूर उठाइए। मैं ये नहीं बोले कि आप धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए, पर आप अपनी आवाज़ उठाइए, मीडिया के माध्यम से उठाइए, आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, गृह मंत्री जी को पत्र लिखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखिए, आईओए को आप पत्र लिखिए, और जो ये फैसला है कमेटी का इससे अवगत कराइए। आज तक के इतिहास में, कुश्ती इतिहास में कभी पिछली फेडरेशन ने भी ऐसे फैसले नहीं किए। उन्होंने ट्रायल बिना ट्रायल के भी टीम भेजी है, पर वो नंबर वन टीम भेजी है। ट्रायल में छूट भी दी गई है, पर वो सबके लिए नहीं थी। जो आउटस्टैंडिंग पहलवान था और करंट में जिसने अच्छी परफॉर्मेंस की थी उसने, ये पहलवान तो लगभग एक साल से मैच से ही दूर हैं, शायद एक साल से ज्यादा हो चुका होगा ये मैच से दूर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। और मेरे हमारे जितने भी खाप के प्रतिनिधि थे, खाप पंचायतें हैं, किसान संगठन हैं, आप भी एक बार इस फैसले को जरूर देखिए, क्योंकि इस आंदोलन में आपने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और ये जो फैसला है ये किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है, और मेरा मानना है कि कुश्ती के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा फैसला नहीं।